आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आला खमान नेता दूसरे की मौत पर सियासत करते हुए नजर आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक कहर टूट पड़ा है। और कहर भी ऐसा वैसा नहीं कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। मगर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसको भी सोचने और समझने की जरूरत है। और कहां यह घटना घटी है इसके बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड के पलामू जिले में एक खौफनाक घटना हुई है। यहां लालीमती जंगल में बुधवार 9 जून को 16 साल की एक लड़की का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद नाबालिग की एक आंख फोड़ दी गई है और शव पेड़ से लटका दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग की पहचान भाजपा के स्थानीय नेता की बेटी के रूप में हुई है। वे पनकी पुलिस थाना क्षेत्र के बुधवार गांव में रहती है और 10वीं की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम नाबालिग का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे अपने पिता के 5 बच्चों में सबसे बड़ी थी। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी कॉल डिटेल के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान प्रदीप कुमार धनुक के रूप में हुई है, जो कि 23 वर्ष का है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप कुमार मुख्य आरोपी है, वे शादीशुदा है। माना जा रहा है कि इस वारदात को उसने अपने साथियों को साथ अंजाम दिया है। नाबालिग के परिजनों ने बताया है कि लड़की 7 जून को सुबह 10 बजे अपने घर से लापता हुई थी। उनकी पुलिस थाने में SI अशोक कुमार ने बताया कि नाबालिग के परिजनों ने 8 जून को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस जब उसकी तलाश कर रही थी, तब बुधवार गांव में उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि नाबालिग शव कपड़े से बांधकर पेड़ से लटकाया गया, उसकी दाई आंख फोड़ दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने हत्या से पहले नाबालिग को बेरहमी से पीटा, इसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया, जिससे वे आत्महत्या लगे। नाबालिग का पोस्टमार्टम मेदिनी नगर स्थित मेदिनी राय कॉलेज में कराया गया। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न भी किया गया है। पलामू के SCP संजीव कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि यह दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला है या नहीं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच के बाद माना जा रहा है कि नाबालिग के किसी शख्स से संबंध थे, हालांकि परिजनों ने इससे इनकार कर दिया है। जांच के दौरान ये लगा है कि नाबालिग के लापता होने से कुछ दिन पहले आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। झारखंड के भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि पार्टी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड में इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, जहां 10 साल की नाबालिग मासूम बच्ची को पेड़ से लटका दिया गया और पेड़ से लटकाए जाने के बाद जो है उसकी आंख को फोड़ा गया है। ये एक खौफनाक तस्वीरें जो लगातार महिलाओं के साथ घट रही घटना है, इस पर केंद्र सरकार कब जागेगी इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आखिरकार क्यों ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी इतने खूंखार हो चुके हैं कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जिसमें आने वाले समय में और मासूम बच्चियों को बचाया जा सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।